दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई के मामले में बढ़ाई गई है। आज यानी 6 जुलाई को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता को न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9वीं चार्जशीट दाखिल की थी। साथ ही विनोद चौहान नाम के शख्स को आरोपी बनाया गया था। सूत्रों ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम कोर्ट में नई और 9वीं अभियोजना शिकायत दायर की गई है, जिसमें आरोपी का नाम विनोद चौहान बताया जा रहा है। इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया वो 18वां शख्स है। एजेंसी ने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता तथा कई कारोबारियों और अन्य को हिरासत में लिया था। दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ में बंद सिसोदिया ने 5 अप्रैल को जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि वो जल्द जेल से बाहर आएंगे। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अंग्रेज़ों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था, अंग्रेज़ भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद किया करते थे। शराब घोटाले में सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने लाइसेंस लेने वालों को फ़ायदा पहुँचाया है। शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में करोड़ों की छूट दी गई थी, इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था। उन्होंने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लिए। उन्होंने शराब घोटाले में सबूत छिपाने के लिए एक दर्जन से ज़्यादा फ़ोन बदले, कई सिम कार्ड भी बदले गए। इसी तरह से उनके कई आरोप भी लगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।